वंदनास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बोंबिल के पकोड़े। उसके लिए लगेंगे बोंबिल, प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च, धनिया। उसके साथ लगेगा चावल का आटा, बेसन, लाल मिर्च की पाउडर, नमक, गरम मसाला और हल्दी। अब बनाते हैं बोंबिल की भजी। बोंबिल बॉईल करके लेते हैं। ये मैं बिना पानी के बॉईल कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास वैसे बर्तन है। आप पानी डाल के बॉईल कर लीजिए, चलेगा। बोंबिल बॉईल हो चुका है। अब हम इसका बीच वाला कांटा निकाल के पकोड़े की तैयारी करते हैं। हमने बोंबिल का कांटा निकाल दिया है। अब बाकी सारी सामग्री हम इसमें डालते हैं। इसमें हम प्याज डाल रहे हैं, प्याज, धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मिर्च है, दो चम्मच चावल का आटा है, चार चम्मच बेसन है और ये सारे मसाले, हल्दी, मिर्च, नमक, गरम मसाला, ये सब मिक्स करते हैं। आधी कटोरी बॉइल्ड चावल लेने हैं। अब ये सारा मिक्स करते हैं, तैयारी करके आपको फ्राई करके दिखाते हैं। हमारे बोंबिल के पकोड़े फ्राई हो गए हैं, अब निकालते हैं। हमारे बोंबिल के पकोड़े रेडी है। हमने तो सिर्फ दो बोंबिल लिए थे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।